गुणीषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् मध्यस्थभावम् विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव दुखे सुखे वैरणि बन्धुवर्गे योगे वियोगे भवने वने वा निराकृताशीष ममात्वबुद्धे समं मनो मेस्तु सदापि नाथ यस्मर्यते सर्वमुनिन्द्रवृन्दे यस्तूयते सर्वनरा योगीयते वेद पुराण शास्त्रे सदेव देवो हृदये ममास्तम् सदेव देवो हृदये ममास्तम् सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सेशन शुरुआत होने के पहले कि सभी जन अपने वीडियोस ऑन कर लें, जो भी यहाँ पे ऑडियंस सुन रही है जूम पे एटलीस्ट वो अपने वीडियोस ऑन करके बैठे हैं ताकि एकाग्रता आपकी बनी रहेगी। और आपके अगर कोई फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अगर बाद में फुल हो जाता है रूम, तो उनको जरूर बोले कि फेसबुक लिंक जो ग्रुप पे शेयर हो चुकी है वहां पे वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने हमारा टॉपिक चल रहा था ब्रिंग आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, थोड़े टेक्निकल इश्यूज से वो बस मैंने अभी सॉर्ट आउट कर लिए। सो ये हमने शास्त्र की शुरुआत करी थी, यहाँ पे हमने दशवैकालिक सूत्र को देखा था और वहां पे हमने देखा था कि सबसे पहले शुरुआत में देखा था हमने हाउ टू वॉक, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू वॉक, ये वाली सारी चीज हमने छह चीजें यहाँ पे देखी थी, जहाँ पे हमने देखा था जयम जरे जयम चित्ते जयम मासे जयम से जयम मुचंतो बासंतो पाव कमम मंदई, इस पे हमने वो टाइम चर्चा करी थी। और वो टाइम हमने इस चीज को बहुत ही विश्लेषण से देखने की कोशिश करी थी। लास्ट टाइम हमने ये एट थिंग्स भी देखी थी, जहाँ हमने देखा था स्ट्रेन इन द प्रेजेंट मोमेंट, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थिंग्स की, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सभी के लिए ये एट थिंग्स कितनी रिक्वायर है, वो यहाँ पे तब भावना भावी भावना से भावित होते हुए हमें कोई काम करना चाहिए, ऐसा हमने यहाँ पे देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और वही भगवान ने अपने सूत्रों में भी बताया था कि सर्व भूयप भूयसे सर्वम भूयम पासो, मतलब हर जन से मैत्री रखें, हर जन से फ्रेंडशिप रखें। जो अभी मैंने शुरुआत में सत्वेशु मैत्रिण वाली बात करी, जो सारे जीवों से मैत्री की भावना, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान ने भी कहा कि सब जीवों को जब अपना मानेंगे, सब जीवों को अपने फ्रेंड्स मानेंगे, तब हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और वही बिजनेस वर्ल्ड में आजकल नेटवर्किंग नाम से फेमस हो गया है कि हमें हर जन से क्या होना चाहिए, फ्रेंड्स बनाना चाहिए, हमें एम्पथाइज करना चाहिए। यही गृहणियों के लिए है, हमारे हाउसवाइफ्स के लिए है, और यही हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हमने देखा था पद्मम नानम तवो दया, फिर हमने देखा था पहले नॉलेज और फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले कोई भी चीज के लिए हमें जब तक नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम लाइफ में उसमें आचरण के फेज में नहीं आ पाएंगे, हम उसमें एक्ट नहीं कर पाएंगे। हमने एग्जांपल्स बहुत सारे इसमें देखे थे कि विद्या कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे वो मूल है हर चीज का। तो इसलिए ज्ञान, नॉलेज,
अगर मुझे सीए का काम आगे करना है, अगर मुझे कोई बिजनेस करना है, तो मुझे सबसे पहले उसका ज्ञान होना जरूरी था और फिर ही मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाऊंगा। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। फिर हमने देखा था सोचा जाना ही कल्याणम, सोचा जाना ही पावकम, मतलब देखा था कि सुनना सुनना कितना इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है, पहले समझो और फिर समझाओ। ये हमने देखा था कि अगर हम सुनेंगे नहीं तो हम जो हमारा ज्ञान है वो सिर्फ ज्ञान ही दिया है, आचरण भी करना शुरू कर दिया है, अब आगे बिजनेस फॉरवर्ड करना चाह रहे हो, अब स्टूडेंट्स आगे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, देन स्टार्ट टू लिसन। लिसनिंग की हैबिट डेवलप करना बहुत जरूरी है और बीच में इंटरप्ट नहीं करो। ऐसे खूब सारे हमने एक्शन प्लान्स लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, जिनने भी लास्ट दो सेशन मिस हुए हैं, दोनों की लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वो अभी आपको यहाँ पे चैट बॉक्स पे भी मिल जाएगी। तो जरूर जिनका मिस हुआ है, बहुत कारणों से लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं, कभी मिस आउट हो जाते हैं, या फर्स्ट टाइम आप हमारे यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे लास्ट दोनों सेशन देखना, क्या कि आप यहाँ से और लिंक कर पाएंगे बाद में सेशन के बाद। अभी मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको ले जाते हुए आगे ले जा रहा हूँ। आगे हमने देखा था क्लैरिटी ऑफ गोल। जब हमने सुनना स्टार्ट कर दिया, जब हमें मालूम पड़ गया कि मुझे अब क्या काम करना है, तो उसके बाद मेरी क्लैरिटी ऑफ आर माय गोल्स आ जाएंगे। अब मुझे करना क्या है, व्हाट इज दैट थिंग व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ, तो मुझे उस चीज में पूरी क्लैरिटी आ जाती है। ऐसे भगवान की वाणी में जब मुनियों के लिए कह रहे हैं तो उनको पूरी क्लैरिटी आ जाती है कि बस अब संसार में कुछ भी नहीं रखा है, मुझे जो काम करना है मुझे खुद के लिए करना है, स्वयं के लिए करना है। यही शायद संभवतः उनको सम्यक दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। आगे हमने डिस्कस किया था परफेक्शन पे, लास्ट में हमने डिस्कस किया था बहुव्यम। जब हमने इसकी स्टोरी भी देखी थी, एक मूर्तिकार की स्टोरी देखी थी, और उनमें हमने देखने की कोशिश करी थी कि वो परफेक्शन, वो खुद के साथ ही कॉम्पिटिशन करते हैं। जब वो जनरल फिजिशियन वाले मोड पे जब लास्ट में हमें क्लैरिटी आ जाती है, तो उसके बाद मुनि डिटेल की नॉलेज लेने में कोशिश करता है। मतलब वो चारों गतियों की नॉलेज करता है, वो अलग अलग क्षेत्रों की नॉलेज ग्रहण करता है, अलग अलग शास्त्रों की नॉलेज करता है, और फिर उसके जाके डीप में जाता है, और डीप में जाने के बाद उसे और रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। वैसे ही हमारे लाइफ में भी यही होता है कि जब हम लोग बिजनेस में स्टार्ट करते हैं या फिर हम स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम एक टॉपिक में अगर कोई स्पेशलाइज कर ले, परफेक्शन कर ले, हमने लास्ट टाइम देखा था कि जनरल फिजिशियन से सर्जन की वैल्यू ज्यादा होती, राइट? जनरल फिजिशियन से सर्जन की वैल्यू ज्यादा होगी, वो पैसे भी ज्यादा कमा पाएगा, उसकी नॉलेज भी ज्यादा होगी, उसकी रिस्पेक्ट भी ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर हम हमारी लाइफ में भी कुछ परफेक्शन कर लेते हैं, भले ही छोटा काम करें, पर छोटा काम भी उसको बहुत अच्छे वे में करें। मैंने लास्ट टाइम एक कोटेशन भी बोली थी आप लोगों को, ग्रेट पीपल डोंट डू ग्रेट। परफेक्शन का एटीट्यूड है जो हमें हमारी लाइफ में अडॉप्ट करना है। यहां तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अब हम आगे की गाथाओं में जा रहे हैं। जा कह रहे हैं तया पुण्यम च पावम च बन्धम मुखम च जाने। तो अगर स्पेशलाइजेशन भी आ गई है, हमें मालूम भी पड़ गया है कि हाँ डिटेल में मुनियों ने अणगार ने पूरी नॉलेज ग्रहण कर ली है कि हाँ चारों गतियों का स्ट्रक्चर क्या है, लोक क्या है, और क्या चीजें हैं शास्त्रों में, क्या चीजें हैं, सारा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है। बट अब उसके बाद वो डिसाइड करने की फेज पे आ गए, ओके दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, ये पुण्य है ये पाप है, ये आश्रव है ये संवर है, ओके? तो इसका जो भेद एकदम क्लैरिटी आ जाए कि हाँ जो मैं काम कर रहा हूं ये पुण्य का है कि पाप का है। ऐसा ना हो कि मैं पाप के कार्य को समझ के पुण्य समझ लूं, मैं पाप कार्य कर रहा हूं मुझे लगे कि अरे मैं तो पुण्य का काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है जब साधक आगे बढ़ता है, जब साधक गहराई से पढ़ना अध्ययन शुरू करना लगता है, उसे रियलाइजेशन हो जाती है ओके दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, पुण्यम च पापम च, उसे एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये पुण्य है और ये पाप। फॉर एग्जाम्पल शास्त्रों का स्वाध्याय करना पुण्य है, और अगर कोई जीवों की हिंसा कर रहा हूं मैं, किसी को जीव को पार रहा हूं, किसी को दुख पहुंचा रहा हूं, तो ये कोई भी धर्म में ये कंसेप्ट एकदम क्लियर। कभी कभी है ना बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं, कहना अगर कोई अच्छे काम के लिए भी अगर मुझे थोड़ी हिंसा करनी पड़ रही है तो वो पुण्य की कैटेगरी में आ जाए, पर जो क्रिया हो रही है वो तो पाप क्रिया ही है, तो उसको तो पाप में ही कैटेगराइज करना पड़ेगा। ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। कोई भी हिंसा का कार्य पाप ही रहने वाला है, वो हे ही रहने वाला है, वो छोड़ने योग्य ही रहने वाला है, ये दिमाग में मुझे सेट हो जाना चाहिए। तो वही क्लैरिटी साधकों को आ जाती है जब वो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखें,
हम क्योंकि गृहस्थों के लिए सुन रहे हैं, हम हमारे लिए सुन रहे हैं ये वाणी को, तो भगवान की वाणी हमें कैसे एप्लीकेबल हो रही है कि जब समझो मैंने बिजनेस में डिटेल नॉलेज ले ली, क्या ये बिजनेस को कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये सारी नॉलेज मुझे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं रियलाइज करता हूँ ओके ये काम करना लीगल है, ये काम करना इलीगल, ये काम करने योग्य है, काम नहीं करने योग्य है, ये राइट अप्रोच है, ये रॉन्ग अप्रोच है, इसका डिसीजन मेरे को आना शुरू हो जाता है जब मेरे पास एक डिटेल्ड नॉलेज हो जाती है उस चीज की। सो वो नॉलेज के लिए भगवान ने ये गाथा कर दी कि आप नॉलेज गेन कर लो, तो पहले नॉलेज के लिए बहुव्यम, उसके बाद आप ये चीज कैटेगराइज करना शुरू कर दो ओके ये करना है ये नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि अगर आप लोग ने कोई पढ़ाई डिटेल में स्टार्ट करी है, तो पढ़ाई डिटेल में स्टार्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि ओके दिस इज द राइट थिंग टू डू, मैं इसको ये फॉर्मेट में अगर पढ़ूंगा तो मेरे लिए इजियर होगा, अगर ये फॉर्मेट में पढ़ूंगा तो काम नहीं करेगा, अगर मैं चीटिंग करके पास होऊंगा सीए के एग्जाम में इंजीनियरिंग एग्जाम में तो कोई वर्थ फाइल नहीं है, मैं लीगल तरीके से मुझे काम करना है। तो बिजनेस में भी क्या करते हैं, क्योंकि हमारा इंडियन माइंडसेट है, हम सबसे पहले इलीगल चीज पहले देखते हैं, हम देखते हैं कि कैसे इसका दूसरा रूप निकल सकता है, पहले कोई लॉ आता है हमारे सीए फ्रेटर्निटी में, पहले लॉ निकलता है, वो कहते हैं पहले लॉ निकलने के पहले क्या हो जाती है, उसके पहले का जुगाड़ पहले से हम सोचना शुरू कर देते हैं, है ना, लॉ निकला उसके पहले देखते हैं कि अरे इसको घुमा कैसे सकते हैं, इसको तोड़ कैसे सकते हैं, तो ये मेंटालिटी हो जाती है, तो ये इलीगल मेंटालिटी है, अनएथिकल मेंटालिटी है। हमें जो मेंटालिटी रखनी है, हमें जो काम करना है वो सत्य पे करना है, द राइट थिंग करनी है। इसलिए ऑनेस्टी इज द बिगेस्ट थिंग विच वन कैन गेट ओके, कोई भी काम करें ईमानदारी से करें, अगर सत्य से करेंगे, सत्य सत्य ध्येय बन जाए, सत्यान्वेषण में ही जीवन प्रेमी यह लग जाए दयामय, ऐसी मति हो जाए दयामय, ऐसी मति हो जाए। क्या कह रहे हैं, सत्य धर्म हो, सत्य कर्म हो, मैं जो काम कर रहा हूं एकदम सत्य से कर रहा हूं, ऑनेस्टी से कर रहा हूं, सत्य ध्येय बन जाए, मतलब सत्य ही मेरा लक्ष्य बन जाए। अगर मैं ये माइंडसेट लेके चलूंगा ना, मैं अभी रिसेंटली ट्रेनिंग कर रहा था हमारे जो जिनको जॉब ट्रेनिंग्स के लिए मैं उनको ट्रेन कर रहा था, उनके कैंपस के रिक्रूटमेंट के लिए, तो वहां पे मैं उनको यही चीज कहा कि जब इंटरव्यूअर, जब कैंडिडेट्स तुम्हारे, जब कैंडिडेट्स इंटरव्यू देते हैं, तो जो इंटरव्यूअर होता है, जो बॉस होता है, तो वो क्या माइंडसेट से सोचते हैं। आप सिंपल से एग्जांपल लिए, आपके घर पे आपने बाइयां तो सबने रखी होगी, है ना, हेल्पर्स हमारे घर पे हम रखते ही रखते हैं, इजी एग्जांपल है सबके लिए समझने के लिए। तो सबसे पहले अगर कोई घर पे हमारे बाई आते, क्योंकि एम्प्लॉई हमें समझ है ना, एम्प्लॉई, तो हमने एम्प्लॉई रखा हमारे घर पे, एम्प्लॉई को घर पे रखा, वो बाई को हमने नया ना हायर करी है, और वो आई बाई फर्स्ट दिन है, तो सबसे पहले हमारी जो मम्मियां होती है और हमारे जो घर पे बड़े होते हैं ना, वो सबसे पहले उनसे क्या करने लगते हैं, पूछताछ करने शुरू करते हैं, क्या करते हैं, देख भाई तू कहाँ से आई है, क्या करती है, और कहाँ कहाँ और काम करती है, सबसे पहले क्या पूछते, कहाँ कहाँ और काम करती है तू, तो ये सारी जानकारी हम उसे, तो वो कहती है अरे मैं है ना वो गुप्ता जी है ना उनके यहाँ काम करती हूँ। अच्छा गुप्ता जी तो हमारे पड़ोसी है, गुप्ता जी तो हमारे पड़ोसी, उनको तो मैं बड़े अच्छे से जानती हूँ। तो मम्मी हमारी क्या करती है, डायरेक्टली क्या करती है, फोन लगाती है गुप्ता जी को, और गुप्ता जी को फोन लगा के क्या पूछती है, अरे वो आई है, वो बाई आई है, वो आपके भी काम करती है ना, वो सही तो है ना, वो एकदम मतलब हाथ वात से साफ तो है ना, मतलब ऑनेस्ट तो है ना, मतलब सही तो है ना वो एकदम। सबसे पहले काम क्या था वो नहीं पूछते हम उनको ये नहीं पूछते, अरे ये झाड़ू बराबर लगाती है, पोछा बराबर लगाती है, या वो सफाई अच्छे से करती है, हम सबसे पहले क्या पूछते हैं, सबसे पहले पूछते हैं ये ऑनेस्ट तो है ना, ये ट्रस्टवर्दी तो है ना, ये लॉयल तो है ना, मतलब इंपॉर्टेंट थिंग हम हमारे लाइफ में क्या देखना चाहते हैं, हम जब किसी को रखना भी चाहते हैं तो सबसे पहली क्वालिटी हम उसमें चाहते हैं कि वो इंसान ऑनेस्ट हो, वो ईमानदार हो। भले ही है ना, आप देखेंगे बहुत सारे हमारे जो यहाँ पे बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं अगर वो घर उनके ऑफिस में उनके शॉप पे अगर वो एक आदमी को रखते हैं, वो एम्प्लॉई को रखते हैं, भले ही वो आदमी है ना थोड़ा अप टू द मार्क नहीं है, वो इतना अच्छा काम नहीं करता है, बट वो बॉस बोलेंगे, सेठ बोलेंगे, नहीं ये हमारा पुराना आदमी है और ये विश्वसनीय आदमी है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, भले ही ये मेरे को मालूम है थोड़ा यहाँ वहाँ काम ढंग से नहीं करता, बट मुझे मालूम है कि मैं इसके भरोसे शॉप को छोड़ के जा सकता हूँ,
मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ, कहने का मीनिंग ये हुआ कि वी ऑलवेज लुक फॉर द क्वालिटी विच इज राइट, विच इज लिविल, विच इज एथिकल. अगर ये थ्री थिंग्स उसमें है तो हम मन को लगते हैं हाँ ये बंदा सही है, इसको मैं लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट कर सकता हूँ. और वही भगवान कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो क्वालिटी तुम्हें इनवाइब होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि राइट और रॉन्ग की परा. जो काम कर रहे हो उसमें सत्य वाला काम करो, पुण्य वाला काम करो, राइट काम करो, एथिकल काम करो. भले पैसा कम कमाओ उसमें, भले उसमें थोड़ा पैसा कम मिलेगा, पर सत्य को ना छोड़. ये वाली शिक्षा भगवान इस गाथा के थ्रू हम सब गृहस्थों को दे आगे, क्योंकि आज हमें थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में कवर करूंगा, क्योंकि आज मुझे टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करनी है कि आज ही एक टॉपिक कवर हो, नहीं तो मैं फिर बह जाऊंगा और दूसरी बातें निकल जाएगी. तो इसलिए मैं आज एकदम संक्षिप्त लेने की कोशिश करूंगा, समराइज फॉर्म में लेने की कोशिश करूंगा. तो आगे हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट गाथा जो हमारी आ रही है वो आ रही है दया निधि अंधे बोए जे दिव्य जय मानस. तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अब लीगल एथिकल की तो मालूम पड़ गई कि हाँ ये राइट है ये रॉन्ग है, साधुओं को मालूम पड़ गया ये पुण्य है पाप है. तो अब कह रहे हैं अब अरुचि लिया निबिंदी है बोए, मतलब अब असारता की फीलिंग लिया, अब तेरा कोई भी डिस्ट्रैक्शन बाहर के वर्ल्ड का नहीं रहेगा. अब मुनि का पूरा फोकस किसमें होना चाहिए, स्वयं में होना चाहिए. तो आउटसाइड के बाहर ये जितने भी आकर्षण थे, जितने भी अट्रैक्शन से, जितने भी डिस्ट्रैक्शन से, अब उसका फोकस पूरा वहां से हटके केवल अपनी आत्मा में स्थित हो जाएगा. वो हर काम अतहियत आए, मतलब आत्मा के हितार्थ होके आत्मा के लिए ही काम करेगा. उसकी दृष्टि एकदम क्लियर हो जाएगी कि बाहर में कुछ रखा ही नहीं. जैसे आप देखेंगे कोई वैरागी को, है ना, कोई जो दीक्षा लेने वाला होगा और कोई वैरागी से प्रश्न पूछा गया, है ना, वो बस दीक्षा लेने ही वाला था, तो उसको किसी ने पूछ लिया कि भैया तू है ना क्यों दीक्षा ले रहा है, क्या संसार में तेरे को ऐसा दुख मिल गया, इसकी वजह से तुम संसार छोड़ के जा रहे हो और दीक्षा ले रहे हो. तो सर बड़ा ही मार्मिक आंसर जो वैरागी दे रहा है. आंसर कह रहे हैं कि बोले मैं को संसार में दुख है इसलिए मैं संसार को छोड़ने के नहीं जा रहा हूं, पर अगर मैं संसार में रहा तो मैं किसी को दुख दिए बिना रह नहीं सकता हूं, इसलिए मैं संसार छोड़ के जा. तो इसलिए कहते हैं दीक्षा दी नहीं जाती, दीक्षा ली जाती, दीक्षा को लेना पड़ता है. और अपने आप क्या हो जाता है, अपने आप हमें असारता हो जाती है. उन्हें नहीं लग रहा कि मैं संसार छोड़ के जा रहा हूं. कोई दीक्षा लेता है ना, कोई हमें देखते हैं, हमारे जो संत महात्मा है हम उनको देखते हैं ये कैसे बैठे हैं, कैसे ये सब चीज सहन कर रहे हैं, कैसा इनकी इजीली लाइफ स्टाइल, इनके चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट कैसे है हमारे साधुओं के, वो इस लग ही नहीं रहा उनको, कोई अट्रैक्शन बाहर का लग ही नहीं रहा, वो तो खुद में स्थित है, वो सम्यक भी है, सम्यक दृष्टि है. और सम्यक दृष्टि की पहचान ही है सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल अंतर्गत न्यारो रहे, अंतर्गत न्यारो रहते हैं सम्यक दृष्टि जी. वैसे हमारे भरत चक्रवर्ती की स्टोरी आती है, आप लोगों ने सबने सुनी हुई है भरत चक्रवर्ती की स्टोरी. और भरत चक्रवर्ती के रहते थे इतने 6 खंड के राजा, मतलब जो भरत चक्रवर्ती को यानी जानते वो ये जान लीजिए कि भरत अपने आप में पूरे अर्थ के, समझ लो आप किंग, ओके, पूरे भारतवर्ष के वो टाइम किंग थे. और वो टाइम क्या होता है कि उनकी इतनी वो इतने इस चीज में फेमस हो जाते हैं कि ये पर्सन एकदम इनको किसी से भी अटैचमेंट नहीं, इज अ डिटैच्ड पर्सन. इनको पूरे कोई जो इनके 6 खंड के राजा हैं उनसे इसको कोई मोह माया नहीं है, ये अपने में तो भी स्थिर रहते हैं, भले ही संसार का सारा कार्य कर रहे हैं पर फिर भी ये इससे पूरे अलिप्त है, पूरे से डिटैच्ड. तो कोई जन है ना, लोग होते हैं ना चेक करने आते हैं, परीक्षा लेने आते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं राजन आप तो ऐसा लग रहे हो पर ऐसा हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल बात है, आप इतने भोगों में रहते हो, इतने मस्त मस्त चीजों में, आपके साथ आजू बाजू इतनी मस्त मस्त चीजें होती है और आप कैसे उनसे अलिप्त रह सकते हो, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल. तो बोलते हैं अच्छा ठीक है. तो अब उसको भरत चक्रवर्ती क्या करता है, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. भरत चक्रवर्ती क्या कहते हैं, अच्छा एक काम कर, कल पूरे नगर में हम क्या करेंगे, खूब त्योहार मनाएंगे, ओके, दिल्ली आराम से बहुत बड़े क्या होंगे, मनोरंजन की चीजें होगी, खूब सारी चीजें होगी, ओके, और तुझे मैं एक घी का कटोरा दूंगा जो पूरा अंदर क्या होगा, लबालब भरा हुआ होगा, घी का कटोरा ऊपर तक भरा हुआ होगा अच्छे से. तुझे क्या करना है, तुझे पूरे नगर में वो घी के कटोरे को लेके पूरे नगर में घूमना है
और पूरे नगर में घूमते हुए तुझे वापस मेरे पास आना है, और अगर घी के कटोरे में से एक बूंद भी नीचे गिर गई, अगर घी के कटोरे में से एक बूंद भी नीचे गिरी तो तुझे मृत्यु, मैं तुझे मृत्यु पे, मृत्यु की उस पर चढ़ा दूं। ठीक है, घी का एक कटोरा घी नहीं गिरना चाहिए, और पूरे नगर में क्या चलने वाला है, पूरा एंजॉयमेंट चलने वाला है, मनोरंजन चलने वाला है, और इसी स्थिति में तुझे पूरे नगर में घूमना। ठीक है जी, अब वो क्या होता है, लेके जाता है। अब मुझे बताइए आप लोग कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ रहेगा, क्या उसका कॉन्सेंट्रेशन वो बैंड बाजों पे रहेगा, वो नाटकों पे रहेगा, वो अच्छी अच्छी चीजें जो बाहर हो रही है वहां रहेगा, या उसका फोकस कहाँ रहेगा कि घी नहीं गिरे, राजा ने कहा है भाई मृत्यु, और राजा के सामने कोई चक्रवर्ती की वजह से एक भी बूंद नहीं गिरा था, और उसको पूछा गया यहाँ कुछ चल रहा था, बोले क्या चल रहा था, मुझे तो मालूम ही नहीं कुछ चल भी रहा था क्या, आई डिडंट इवन रियलाइज कि वो कुछ ऐसा मनोरंजन चल रहा है, ऐसा कुछ त्योहार मना रहे हो, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा। बोले कैसे नहीं मालूम पड़ा, इतनी नगर में सबको मालूम है। तो बोले बस ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, जिसको दृष्टि जिसकी निर्मल होनी लग जाती है, वो डिस्ट्रैक्शन उसके ऑटोमेटिकली आवा निकल जाते। आई गेस आप लोगों को स्टोरी का मॉरल समझ आ रहा है, और मॉरल अब हम हमारे गृहस्थों के लिए भी अपना हम स्वामी विवेकानंद की स्टोरी सुनते हैं, और स्वामी विवेकानंद की स्टोरी में आता है कि वो बल्ब के नीचे पढ़ते थे, है ना, बाहर वो हमारी स्ट्रीट लाइट होती थी ना, उसके नीचे पढ़ लेते थे, और पढ़ते थे और बोलते थे इतनी एकाग्रता, एक दिन ऐसे इतनी एकाग्रता से पढ़ रहे थे, फोकस से पढ़ रहे थे, और क्या होता है बाजू से है ना पूरी बारात जा रही है, और बारात जा रही है उसमें सब नाच रहे हैं, अरे मेरे यार की शादी है एवरीथिंग ओके, वो पूरे नाच नाच के कहां जा रहे हैं, पूरी उल्टी क्या चल रही है, वो बैंड पूरे बैंड बाजा के साथ पूरी बारात जा रही है, और पूरी बारात निकल गई, और फिर थोड़े टाइम बाद एक व्यक्ति आता है पूछता है स्वामी विवेकानंद को, पूछता है अरे यहाँ से कोई बारात निकली थी क्या, वो कहाँ गई, विवेकानंद जी बोलते हैं मुझे नहीं मालूम कौन सी बारात निकली, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कोई बारात भी यहाँ से निकली क्या, मतलब वो इतने फोकस थे, इतने तल्लीन हुए हुए थे इस काम में कि उन्हें रियलाइज ही नहीं हुआ कि बाहर कुछ जल भी रहा है, बाहर कुछ हो भी रहा है, बाहर कुछ चीजें भी हो रही है, बिकॉज द फोकस द अटेंशन इज टोटली इन दैट वर्क, और यही एक सक्सेसफुल पर्सन की निशानी है। तो जो भी लोगों को यहाँ पे, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हाउसवाइफ अपना घर का काम कर रही है, अपने किचन में काम कर रही है, आपका एकाग्रचित इतना होना चाहिए कि बस मैं जो काम कर रही हूँ मेरा पूरा तल्लीन पूरी उसी चीज में आ गया हुआ, और यही हमने शुरुआत में पढ़ा था जय हम चले जय हम चित्ते में, पूरा उसमें, क्योंकि जब उसमें घुस जाओगे तो ऑटोमेटिकली बाहर की चीज से डिस्ट्रैक्शन हट जाएगा, अगर फोकस वहां हो जाएगा तो पूरा डिस्ट्रैक्शन हट जाएगा। अरे मुझे कहानी याद आ गई इलॉन मस्क की, लोगों ने यहाँ पे इलॉन मस्क का नाम सुना होगा, आजकल बड़ा फेमस इंसान है, टेस्ला कार है ना, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन में से आता है इलॉन मस्क, है ना, आजकल यंगस्टर्स में बड़ा फेमस बन गया। क्या होता है इलॉन मस्क की कहानी में, इलॉन मस्क है ना बचपन में, इस बंदे की हर सक्सेसफुल पर्सन की निशानी है लेजर शार्प फोकस होगा, इसमें क्या होगा एकदम फोकस्ड पर्सनालिटी होगा, और वहां पे क्या होता है इलॉन मस्क क्या करता है, इलॉन मस्क है ना बचपन में जब सोचता था ना वो इमेजिन करता था स्पेसेस एंड एवरीथिंग, वो सारी उसकी इमेजिनेशन खूब स्ट्रॉन्ग करते रहता था, वो बैठे बैठे अपने रूम में ना सोचते रहता था, सोचते रहता चिंतन करते रहता था, अब वो इतना गहरा उस चिंतन में चल जाता था, इतना डीप चल जाता था कि उसके मम्मी पापा अगर उसको कुछ बुला रहे हैं, उसको आवाजें दे रहे हैं, वो उसको सुनाई नहीं देता, तो मम्मी पापा को लगा ये थोड़ा है ना कान से इसका कम सुनता है ये, तो क्या किया उसको पता है, उसको डॉक्टर के पास लेके गए, और डॉक्टर के पास ले जाके उसका क्या कराया, इलाज करवाया, इसका है ना कान थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर देखो, और डॉक्टर ने भी उसकी बड़ी सर्जरी भी कर दी, बराबर उसको वो भी कर दिया, बाद में मालूम पड़ा ये तो सर्जरी के बाद भी ऐसा कैसा ही है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो फिर भी नहीं सुन रहा, तो मालूम पड़ा कि ये जब सोचने लगता है ये इतना उस चीज में गहरा डूब जाता है कि इसको रियलाइज ही नहीं होता कि आजू बाजू क्या हो, ये फ्यूचर में इसके मालूम पड़ा। मीनिंग अगर आप कोई काम, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर इफ यू आर स्टडिंग, कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना डूब जाओ उस चीज में कि बाकी का अट्रैक्शन आजू बाजू खत्म ही हो जाए। आई रिमेम्बर वेरी वेल जब मैं सीए की पढ़ाई करता था, या मैं हमारे कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की मैं पढ़ाई करता था, मेरे को ऑटोमेटिकली ये हो जाता था कि बस मुझे, मेरे को बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है ज्यादा, मीनिंग कि हमें कहीं घूमने का शौक नहीं, पार्टी का शौक, वो ऑटोमेटिकली सब कम हो जाता था, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करने का शौक कम हो जाता था, क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है टारगेट अभी फोकस क्या है, सीए का एग्जाम आ रहा है, सीए का एग्जाम आ रहा है, ऑटोमेटिकली बाकी चीज को कट ऑफ करने शुरू कर दो, तो डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो ये क्वालिटी हम सब में इम्बाइब होनी चाहिए, जो भगवान की वाणी यहाँ भी हमें कह रहे हैं
निविंदे वो असार लियो संसार में रखा क्या रखा है राजा राणा छत्रपति हाथिन के असेवार मरना सब को एक दिन अपनी अपनी बार महावीरा अपनी अपनी बार क्या कह रहे हैं कुछ रहने वाला है क्या हमारे साथ कुछ जाने वाला है क्या तो हम किस चीज के लिए डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं हम कहाँ अट्रैक्शन लेके आ रहे हैं कहाँ संसार में बह जा रहे हैं तो हमें वापस खुद में आना है और उसके लिए कह रहे हैं अभी असारता ले आओ कि हाँ आप कुछ नहीं रखा है आप सिर्फ खुद में फोकस हो जाओ इंटरनल फोकस एकदम स्ट्रॉन्ग करो तो ये इस गाथा का मर्म निकलता है आगे हम बढ़ते हैं भगवान आगे की गाथाओं में कह रहे हैं जया निवेदे बोए जय देवे जय मनुष्य तया चये संयोगम सम्मिंदरम बाहे अब ब्लेजर शार्प फोकस हो गया है अब खुद के साथ रहना आ गया है अब एकदम दृष्टि बाहर के डिस्ट्रैक्शन से खत्म हो गई है तो नाउ भगवान इज सेइंग नाउ स्टार्ट एनालाइजिंग योरसेल्फ अब खुद के बारे में चिंतन करो चयाई संजोगम सम्मिंतरम बाहिर्यम बाहरी और आभ्यंतर मुनियों के लिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे साधकों के लिए डिस्कस कर लेते हैं वो साधकों के लिए कह रहे हैं कि देखो बाहरी और अंतरी बाहर के और अंदर के दोनों के शत्रु हैं हमारे ओके बाहर के भी शत्रु है और आंतरिक भी शत्रु है इन दोनों ही शत्रुओं को क्या कर देना है हमें तोड़ देना खत्म कर देना क्या मेरी वॉइस क्रैक हो रही है कि सबको ठीक आ रही है एकदम प्रॉपर क्योंकि किसी का यहाँ मैसेज आ रहा है मेरे पास सबको आवाज सही आ रही है एकदम ठीक है ओके हाँ तो बाह्य मतलब बाह्य डिस्ट्रैक्शन साधकों के लिए कह रहे हैं कि बाह्य जो तुम्हारी वीकनेसेस है जैसे धन संपत्ति मित्र जो भी और आंतरिक जो तुम्हारे शत्रु है जो अंदर के शत्रु है जो है तुम्हारे क्रोध मान माया लोभ ओके ये सारी चीज को भी खत्म कर ये चारों चीज अगर खत्म हो जाएगी और ये बाहर की चीज हो जाएगी तब हम आगे बढ़ पाएंगे तब हम लाइफ में ग्रो कर पाएंगे तब मुनि आगे अणगार बनने की तरफ आगे बढ़ पाएंगे तो ऐसे ही अब हमें देखना है जब मैंने स्पेशलाइजेशन कर ली है जब मुझे मालूम पड़ गया मेरा फोकस एकदम खुद में हो गया व्हेन आई एम स्टार्टिंग एनालाइजिंग माय सेल्फ मेरा फोकस हो गया कि अंदर क्योंकि हमारे को बताया गया कि अगर प्राण ऊर्जा बढ़ानी है ना अगर आपने एनर्जी किसी को लगता है ना कि आज है ना मेरी एनर्जी बड़ी लो है आज मुझे थोड़ा ना दिक्कत हो रही है तो सबसे बेस्ट थिंग है कोई ऐसे घर का एक एरिया ऐसा ढूंढे जो आपको लगता है मे बी इट कैन बी योर पूजा रूम या फिर छत बेस्ट पार्ट है छत है ना हमारी जो छत का एरिया है वहां जाके बैठ जाओ वहां जाके एकांत बैठ जाओ एकांत ओके जहां कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है कोई बाहरी चीज नहीं है वहां सबसे कट ऑफ होके एक स्थान चूज करो अपने घर में हमेशा हमारा एक स्थान होना चाहिए हमें एक स्थान एक जगह ऐसी ढूंढनी चाहिए हमारे घर में जो वो हमारा एनर्जी पॉइंट होगा तो जब भी हमारी एनर्जी थोड़ी आपको लगने लगे ना कि कम हो रही है हमारी प्राण ऊर्जा कम होने लग रही है तुरंत जाके वो स्थान पे जाके बैठ जाओ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आज मुझे ना थोड़ी लो एनर्जी लग रही थी तो मैंने क्या किया मेरे छत पे हमने एक जगह बनाई हुई है तो छत पे जाके मैं वहां जो भी मेरी साधना करनी होती है वहां जाके करता हूं। तो मैं आज अभी छत को रात शाम को बस सेशन के पहले आधे घंटे पहले मैं वहां जाके बैठ गया और वहां जाके बैठ के मुझे लगा बस मेरे को थोड़ी मेरी एनर्जी को वापस ग्रो करना है वापस प्रॉपर लेके आनी है एनर्जीज को तो मैं वहां जाके बैठ गया तो एक स्थान चूज कर लिया वहां जाके एकांत जब आप एकांत में आओगे तब आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ेगी मौन और एकांत आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है आज मेरे को एकदम अजीब लग रहा है आज मेरा मन उठा उठा लग रहा है मूड ऑफ हो जाता है वगैरह वगैरह जो भी ठीक है जब भी ऐसा कुछ हो तो एक तो सबसे पहले मौन हो जाओ क्योंकि वो टाइम आप खुद के कंट्रोल में तो हो नहीं तो इसलिए मौन रहना बेटर क्योंकि नहीं तो और कुछ गड़बड़ी होगी दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा आप करें एकांत अब एकांत में जाके खुद की साधना करो जाप करो ध्यान करो जो आपको आता है आता है करो पर वहां पे जाके एकांत में जाके बैठ जाओ और वो जगह चूज कर लो आज ही घर में चूज करना अपनी कौन सी ऐसी जगह और वहां जाके परमानेंट वही स्थान पे बैठो उस स्थान का भी बड़ा फर्क होना शुरू हो जाएगा तो वहां जब एकांत में बात करेंगे एकांत में जब मैं खुद को इवैल्यूएशन नाउ भगवान इज सेइंग व्हाट यू शुड डू अब चये संजोगम सम्मिंतरम बहिरम अब क्या करने लग जाओ खुद के बारे में इवैल्यूएशन करना शुरू कर चाहे वो हाउसवाइफ है चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो बिजनेसमैन है एवरीवन हर दिन हमारा एक मी टाइम होना बड़ा जरूरी है हर दिन हमें खुद के लिए एटलीस्ट 48 मिनट्स
हमें खुद के लिए निकालने चाहिए सेपरेटली वेयर वी शुड थिंक कि मैं क्या लैक कर रहा हूं, क्या ग्रो कर रहा हूं, मेरी क्या स्ट्रेंथ है। ये हमारे मैनेजमेंट के वर्ल्ड में चलता है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, जो अभी आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखी है। ये स्वॉट एनालिसिस बड़ी फेमस है, कॉलेजेस में खूब पढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, क्या मैं स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ क्या। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्ट्रेंथ है कि आज पंचमी है, मैं आराम से उपवास कर सकता हूँ, मैं आराम से एकाशना कर सकता हूँ, मैं आराम से कोई ना कोई तपस्या कर सकता हूँ। अभी हमारे आगे होली जी आने वाली है तो हम उसमें भी कोई ना कोई तपस्या कर सकते हैं। तो मेरी स्ट्रेंथ है क्या, मेरी इतनी शक्ति है क्या, क्या मेरी शक्ति है कि मैं हाँ रोज एक घंटा रीडिंग कर सकता हूँ, क्या मेरी शक्ति है कि मैं रोज एक घंटा मैं कुछ ना कुछ दान दे सकता हूँ, क्या मेरी में ऐसी शक्ति है, पावर है, क्या मेरे पास स्ट्रेंथ है वो, और क्या मैं उसको यूज कर रहा हूँ। इवैल्यूएट, खुद पे चर्चा करें, खुद के साथ चिंतन करें। देखिए जितना भी जो भी साधक आगे बढ़े हैं वो बाहर से तो उन्हें एक थोड़ा सा निमित्त मिल जाएगा, बट इंटरनल वो खुद चिंतन करते हैं, फिर इंटरनल खुद उसमें सोच लेके आते हैं, अनुपरीक्षा करते हैं और फिर आगे बढ़ता है। बाहर से सहारा मिल सकता है, ये यूटर्न के सेशन से आपको एक थोड़ा आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको थोड़ा एक निमित्त मिल सकता है आगे बढ़ने का। बट अगर साधना में गहराई में जाना है, आगे ग्रो करना है, तो एकांत में बैठ के खुद के साथ चिंतन मनन करें, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे में पोटेंशियल है, क्या मैं उसका यूज कर रहा हूँ, क्या मैं और कर सकता हूँ, चिंतन करें। अच्छा मेरी वीकनेसेस क्या क्या है, मैं क्या क्या गड़बड़ी कर रहा हूँ, क्या क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं क्रोध ज्यादा करता हूँ, मैं मान ज्यादा करता हूँ, मैं माया ज्यादा करता हूँ, मैं लोभ ज्यादा करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, व्हाट इज दैट वीकनेस। मेरे पूरे दिन भर को एनालिसिस करें। हमने लास्ट टाइम एक डिस्कशन किया था आलोचना डायरी का, आलोचना डायरी बनाए खुद की एक शॉर्ट डायरी बनाए, जहां खुद लिखे रोज, अरे आज मैंने क्या गड़बड़ करी, क्या गलत किया, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, व्हाट डिड आई डू राइट। अगर मैं रॉन्ग कर रहा हूं, कुछ गलत किया, तो मैं हमेशा एवरीडे सेम ही चीज गलत कर रहे जा रहा हूं क्या, मतलब स्ट्रक्चरल गलती है। अगर मैं सेम चीज रोज रिपीटिवली मिस्टेक कर रहा हूं, मतलब कि अभी तक मुझे वो गलती महसूस नहीं हुई। जिस दिन इंसान को गलती दिल पे लग जाएगी कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, वो ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप बोल रहे हो एक दारू पीने वाले को, शायद मैंने पहले भी एग्जाम्पल कभी लिया था, मैं क्या हो रहा है कि वो दारू पीने वाले को रोज बोल रहा हूँ, अरे भैया मत कर, ये गलत नशा है, मत आराम से मस्ती मजे से, अरे मता नथिंग, उसको लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं अभी तक। जब जिस दिन उसको एक दिन किसी की बात उसको लग गई, या एक दिन उसके साथ कोई हादसा हो गया, कुछ चीज हो गई, और वो दिन उसकी जागृति आ गई, अवेकनिंग आ गई, ओ ये चीज तो नहीं करनी है, ये चीज छोड़नी है, अब आप उसको कितना ही फोर्स कर लो नहीं करेगा, क्योंकि अब उसको बोध हो गया है, अब उसको क्लैरिटी आ गई है, उसको दिमाग में आ गया कि बस मुझे काम नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली छोड़ना शुरू कर देगा। मतलब जिस दिन आपको रियलाइज हो जाएगी कि मेरी वीकनेस है, आप ऑटोमेटिकली उसको निकालना शुरू कर दोगे, एटलीस्ट आप में प्रोग्रेस दिखना लोगों को शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई लोग चोरी करते हैं, या झूठ बोलते हैं, या क्रोध ज्यादा करते हैं, या फिर माया ज्यादा करते हैं, या लोभ ज्यादा आ रहा है, थिंक क्या मेरे को रेगुलरली सेम प्रॉब्लम हो रही है क्या, क्या रेगुलरली मैं सबसे क्रोध करे जा रहा हूँ क्या, मान करे जा रहा हूँ क्या, माया करे जा रहा हूँ क्या। अगर कर रहा हूं मतलब अभी तक मेरे को खटका नहीं लगा, अभी तक मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ गलत, अरे निपुण कुछ गलत करता है क्या, नहीं नहीं बाबा, निपुण इज एवरीथिंग, एवरी टाइम इज राइट, मैं कुछ गलत नहीं करता हूं, ठीक है। तो जब तक ये फीलिंग रहेगी तब तक वो डेफिनेटली निकल ही नहीं पाई। आप कितने ही गुरुओं के पास चल जाओ, भगवान भी उतर के नीचे आ जाए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तक मुझे गलत लगा ही नहीं है मैं कुछ गलत कर रहा हूं। तो इसलिए वीकनेसेस ये कब इवैल्यूएट कर पाओगे, एकांत में रह के इवैल्यूएट कर पाओगे। भगवान कह रहे स्कैनिंग करो, स्कैनिंग स्कैनिंग स्कैनिंग, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आगे मैं और क्या कर सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं कैसे मेरी साधना को और ग्रो कर सकता हूँ, किन किन लोगों से मिल सकता हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या सुन सकता हूँ, क्या क्या पढ़ सकता हूँ, और खतरे क्या क्या है, थ्रेट्स क्या क्या है, मुश्किलें क्या क्या है। अरे मैं वो उन दोस्तों के साथ जाता हूँ ना तो मैं ना गलत काम करना शुरू कर देता हूँ, या मैं इन लोगों के साथ रहता हूँ ना तो मेरे में ना नेगेटिव बुद्धि शुरू हो जाती है, मेरी भोग बुद्धि शुरू हो जाती है, या मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करना शुरू करता हूँ, मेरी एनर्जी एकदम लो हो जाती है, तो उन लोगों को अपनी लाइफ से अवॉइड करना शुरू कर दो। जहां खतरा लगे ना, ये खतरे की घंटी है। जैसे बहुत लोग होते हैं, हमें मालूम पड़ जाता है, अरे ये इंसान से आज बात कर ली ना, मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, मेरी पूरी एनर्जी लो डाउन कर देगा, पूरा आज मूड ऑफ कर देगा, या मेरी पूरी एनर्जी को खींच लेता है ये पर्सन,
उनसे अवॉइड करना शुरू करो, दूरी करना शुरू करो। वो दूरी कर लोगे अपनी एनर्जी वैसे ही सेव, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी अर्न्ड, जितनी एनर्जी सेव हुई उतनी एनर्जी आपने कमा दी। तो ऐसे थ्रेड्स को इवैल्यूएट करो कि मैं इस एनवायरमेंट में जहां जाता हूं ना, यहां जाने के बाद गड़बड़ हो जाती है, इसके घर जाता हूं ना तो गड़बड़ हो जाती है, या फिर थ्रेड देखो इस खाने से मेरे को ये फर्क पड़ जाता है, कभी कभी खाना में मालूम पड़ता है खाना आज गड़बड़ खाया है जिसके वजह से मेरा शरीर आज खराब हो गया। वो चीजें थ्रेड्स को इवैल्यूएट करना शुरू करो। ये कब कर पाओगे? जब चिंतन करोगे, अनुपरीक्षा करेंगे, हम खुद के साथ रहेंगे तब। यहाँ पे आ गई, भगवान ने भी कहा साधुओं को एकांत में जाओ और चिंतन करो, बस इवैल्यूएट करो खुद को। आगे अब जब ये कर लोगे, जब ये चीज हो जाएगी, तब एक्चुअल में यू विल बिकम इंडिपेंडेंट। तो आ गए नेक्स्ट गाथा में। अब भगवान मुनियों को कह रहे हैं दया मुंडे भवितानम पवये अणगार्यम, अब अणगार बनने के तू योग्य हो गया है, अब तू दीक्षा लेने के योग्य आ गया। मुंडे भवित मतलब अब मुंडित हो सकता है तू, अब अणगार बन सकता है, अब तू साधु बन सकता है। ये सारी सत्रहवीं गाथा के बाद अठारहवीं गाथा पे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं सत्रह चीजें बताई पहले, इन चीज में एकदम स्ट्रांग हो जाओ, सक्षम हो जाओ, स्ट्रांग बन जाओ, योग्य बन जाओ, अब रेडी हो दीक्षा लेने के। अब मुंडे भवितानम पवयणगार्यम, और वैसे ही अब अगर हमें खुद के साथ जोड़ना है तो अब देखेंगे जब मैं इन चीजों में एकदम अच्छा हो जाता हूँ, जब मैं खुद को एनालिसिस करना शुरू कर देता हूँ, इवेल्युएट करना शुरू कर देता हूँ, तो मुझे रियलाइज होता है कि हाँ अब मुझे ये चीज बाहर निकाले। डेफिनेटली एक बार अब जब आप सोचना शुरू कर देते हो ना, अगर एक बार आप में भावना आ जाए कि मेरे को निकालनी है वो चीज, मेरी गलत आदत, वो 100% ये भावना भी आ गई, तो आप देख लें कालांतर में आप वो चीज निकाल ही लोगे, वो चीज अपने आप आपसे बाहर निकलने लग जाएगी, भले धीरे धीरे निकलेगी बट निकल जाए, पर वो भावना आना जरूरी है। और जब ये भावना हम पूरी फलित कर लेते हैं, हम इसके पूरा काम कर लेते हैं, तब मैं एक्चुअल में इंडिपेंडेंट हो जाता हूँ। अब स्टूडेंट ने सब काम कर लिया है, उसने खुद की एनालिसिस भी कर ली है, वो परफेक्शन भी ले आया है, वो पाप और पुण्य का फर्क भी, इलीगल लीगल चीज भी जान गया है, सब चीज हो गई, अब वो एकदम स्ट्रॉन्ग, अब वो इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज एन इंजीनियर, इज अ CMA, जो भी आपको बोलना है, वो चीज वो क्वालिफाइड हो चुका है, अब वो डिग्री मिल चुकी है उसको कि हाँ यू आर इंडिपेंडेंट, अब आप काम करना शुरू कर सकते हो, नाउ यू आर रेडी टू गो, नाउ यू कैन वर्क, अब तू बहुत पैसा कमाएगा, बहुत योग्य हो गया। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, विद्या क्या देगी, पात्रता देगी, योग्यता देगी, वो चीज यहाँ पे आ गई, इंडिपेंडेंट हो गए। और आगे इंडिपेंडेंस बनने के बाद क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंस बनने के बाद, इंडिपेंडेंट जब हो जाएगा तो उसके बाद एक मिनट, हाँ इंडिपेंडेंट बनने के बाद क्या हो जाएगा, वो कह रहे हैं जया मुंडे भवितानम पवयणगार्यम तया संवर मुक्तम धम्मम फासे अणुत्तम। अब भगवान कह रहे हैं मुनि अणगार बन गया है, साधु बन गया है, पर उसके बाद भी उसको भगवान चेता रहे हैं, भगवान उनको चेता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं तया संवर मुक्तम धम्मम फासे अणुत्तरम, भगवान कह रहे हैं कि आप संवर करो, तो भी क्या करो, दीक्षा ले ली है, दीक्षा लेने के बाद भी क्या करो, संवर करो, मतलब बाउंड्रीज बना के रखो, बाउंड्रीज अपने इर्द गिर्द बना के करो, कंट्रोल करके रखो अपनी इंद्रियों को, अगर कहीं भी तुमने थोड़ा छूट दे दी, ये वापस भाग जाएंगे, तुम वापस थोड़ा किसी के डिपेंडेंट हो जाओगे, तुम वापस लूज हो जाओगे, तुम वापस तुम्हें बाहर जाना ग्रस्त में जल जाओगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लिया तो ब्रह्मचर्य क्या, नव बाड़ दे दी, नौ बाड़े दे दी, उसको सराउंड करके रखो, ब्रह्मचारी पुरुष को क्या क्या चीज करनी है, पूरी भगवान ने एक पूरा अध्ययन दिया उसपे, सोलवा अध्ययन उत्तराधीन सूत्र का पूरा उसपे खींचा, पूरे सोलवे अध्ययन में भगवान ने बताया क्या खाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कैसे क्या क्या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग भगवान ने डिटेल में ब्रह्मचर्य के लिए, तुम्हारा सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत कैसे सुरक्षित रहो उसके लिए भगवान ने इतनी चीजें बताई, और ऐसे पक पक पे बताया क्या करना चाहिए, सुबह उठ के क्या करना है, फिर दिन में क्या करना है, रात को सोने के वक्त क्या करना है, एवरीथिंग भगवान ने सारे प्रोटोकॉल्स बना के दिए। सुबह शाम प्रतिक्रमण करना है, साधुओं को कैसे करना है, हमने 10 समाचारी देखी थी साधुओं की, 10 मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ रिलेशनशिप, ऐसा टॉपिक भी हमने डिस्कस किया है। भगवान डिटेल में एक एक चीज देखे गए हम, तो भगवान कह रहे हैं दीक्षा लेना इज नॉट अल्टीमेट, ठीक है, दीक्षा लेने के बाद तो मेन काम शुरू होता है, दीक्षा लेने के बाद मेन काम शुरू हो रहा है कि आप कंट्रोलिंग करना शुरू करो, संवर करना शुरू करो, संवर मुकिटम तब धम्मम पासे अणुतम, तब धर्म आएगा अणगार में, ओके, तब वो आगे बढ़ पाएगा। तो अब खुद के लिए जोड़ना है, गृहस्थों के लिए जोड़े उसको, इंडिपेंडेंट बन गए, बहुत पैसा कमा लिया, योग्य हो गए ना, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए ना, बहुत पैसा कमा लिया, और हमारे जो हाउसवाइफ्स है बहुत अच्छे हाउसवाइफ बन गए,
एकदम सेट हो गए घर में। अब घर में सेट होने के बाद भी या पैसा बहुत कमाने के बाद भी क्या जरूरी है, खर्चे कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। हाउसवाइफ के लिए भी खर्चे कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। स्टूडेंट्स भी बहुत आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने के बाद कंट्रोलिंग, अभी भी खुद को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, मेरे को वापस फोकस्ड रहना है। इसलिए वॉरेन बफे को यहाँ पे बहुत जन जानते होंगे, अपने आप में वर्ल्ड का अगेन रिचेस्ट पर्सन में से एक वॉरेन बफे है ना, और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में उससे बड़ा इन्वेस्टर, उसके बड़ा वॉरेन बफे के लिए आपको बता दूं क्या, 35 उसका एक दिन ऑक्शन हुआ है ना, उससे वो मिलता नहीं किसी से यूजुअली है ना, वॉरेन बफे किसी से यूजुअली मिलते नहीं जल्दी से। तो क्या हुआ, बहुत लोगों उससे मिलने की इच्छा होती है, तो क्या किया, ऑक्शन किया, ऑक्शन बोलते हैं बोली लगाई, तो बोली लगाई और बोली में बोला गया कि है ना, बोली लगाई और बोली बोलते करते वॉरेन बफे का लंच करने का टाइम मिलेगा, एक घंटा मिलेगा वॉरेन बफे का उससे बातचीत करने का। तो ऑक्शनिंग करते करते 35 करोड़, कितने 35 करोड़ में वो एक घंटा बिका वॉरेन बफे का, और एक घंटा उससे बात करने के लिए वो बंदे ने 35 करोड़ रुपए दिए। और वॉरेन बफे ने क्या किया, वो पैसे को दान दिया, बोले वॉरेन बफे सोचा यार बड़ा अच्छा काम है, तो अच्छा है मैं ऑक्शनिंग करूंगा लोगों से एक एक घंटा, और 35 करोड़ आए खुद के। बहुत ही डिसिप्लिन इंसान है, बहुत ही सिंपल इंसान है, कभी उसकी स्टोरी कभी हम फ्यूचर में लेंगे, बहुत ही सिंपल व्यक्तित्व, ठीक है। बट क्या करा, आए 35 करोड़ दे दिए दान, उसको इजी कर दी। वही वॉरेन बफे अपने रूल्स में बताता है, वो कहता है इन्वेस्टमेंट, अगर किसी को अच्छा इन्वेस्टर बनना है, शेयर मार्केट में अच्छा ग्रो करना है, तो सबसे पहला है नंबर वन रूल है उसका, नेवर लूज मनी। क्या कहता है, सबसे पहला है क्या उसका रूल, नेवर लूज मनी, कभी भी पैसा फालतू गंवाना नहीं चाहिए, पैसा फालतू खोना नहीं चाहिए, ये सबसे पहला रूल है इन्वेस्टमेंट का। और दूसरा रूल बताता है फॉलो द फर्स्ट रूल। क्या बोलता है, फॉलो द फर्स्ट रूल, यही सेकंड रूल है, इसके अलावा कोई रूल ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये कंट्रोलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज कंट्रोलिंग योर फाइनेंसेस। कितना कम खर्चा कर सकते हैं हम, क्या हमारा कम में भी खर्चा चल सकता है क्या, हमारा इजीली 10 रुपए की चीज हम 2 रुपए में भी काम कर सकते हैं क्या, हमारे ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़े जा रहे हैं, हमारे जितने जन है उतनी गाड़ियां हो रही है, उतने हमारे जितने दिन है उतने हमारे कपड़े हो रहे हैं, हम किस एरिया में जा रहे हैं आगे, 365 है तो 365 हमारे कपड़े होने चाहिए क्या, ये फिलोसॉफी के लोग है क्या हम। यही वॉरेन बफे की बताऊं आपको, इसने 30-40 साल पहले 10 सूट सिलवाए, अब ये देखो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन है, मतलब हमारी जैसों की तो कुछ है ही नहीं है ना। बिल गेट्स से वॉरेन बफे अलग लीग वाले पर्सन है, कहते हैं इनपे स्टडी हुई है ना, इनपे स्टडी हुई, बोले कि वो ब्रीफकेस में है ना 35 लाख रुपए थे और वो ब्रीफकेस नीचे गिर गया, अब उसको उठाने के लिए क्या बिल गेट्स को नीचे झुकना चाहिए क्या, क्या वॉरेन बफे को नीचे झुकना चाहिए क्या, क्योंकि इनके तो एक एक आधे आधे सेकंड की भी वैल्यू है। तो बोलते नहीं 35 लाख तक है जब तक तो छोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना तो वो खड़े खड़े भी ज्यादा कमा लेगा, मतलब अगर वो काम करेगा वो आधे मिनट में तो ज्यादा कमा लेगा। मतलब इन पे स्टडी होती है ऐसी कि वो भी उनके लिए इतना पैसा वो लोग कमा चुके हैं, बट ये लोग भी व्यक्तित्व आप देखेंगे, वो वॉरेन बफे ने 10 सूट 30-40 साल पहले बनाए एक जगह, वो 10 सूट आज तक वही 10 सूट को रिपीट करता है, जब तक वो खराब नहीं हुए तब तक उसको छोड़ता नहीं, वही 30 साल पहले जो मकान में रहता था वही मकान में रहता है, वही गाड़ी यूज करता है एप्पल का, ओके, एप्पल कंपनी का वो लगभग 5-10% ओनर है, शेयर होल्डिंग है उसके पास एप्पल कंपनी की, जो आपके एप्पल के फोन है ना, आईफोन उनके, उसकी 5-10% होल्डिंग किसके पास है, हमारे वॉरेन बफे के पास। फिर भी वो आज तक वो सैमसंग का जो पहले वाला वो खुलने वाला फोन होता है ना, सैमसंग का हमारा पुराना वाला जो फोन था, आज तक वो ही यूज करता है, उसको कोई लेना नहीं है। वो टिम कुक जो एप्पल का ओनर है वो खुद आ गया, आईफोन वो ओनर आ गया, बोले लो भाई हमारा फोन यूज करो, बोले ठीक है तूने गिफ्ट दिया रख लिया, इसको सिर्फ फोन उठाने के लिए काम में लूंगा, इंटरनेट तो मैं यूज करता नहीं, मुझे कोई जरूरत है नहीं, और मेरा ये फोन आराम से चल रहा है। पर आजकल हमारे में ट्रेंड क्या है, नहीं नया फोन आ रहा है बस फटाफट नया फोन लो, है हमारे पास है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, गुरुजी कहते हैं हमारे जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस लाइन को दिमाग में थोड़ा याद रखें, जो प्राप्त है आपके पास है अवेलेबल वो बहुत है आपके लिए, अननेसेसरी फाइनेंसेस को करने की जरूरत ही नहीं है। और हमें हमारे मम्मी पापा से बहुत अच्छे संस्कार बचपन से ही मिले, हमें बचपन से हमारे माता जी पिताजी ने एक भी वेस्ट का खर्चा करने की हमारे को कभी आदत नहीं डाली,
और ये हमें लगता है कि बहुत बेनिफिशियल रहा आज भी, हमें अगर कोई भी एक खर्चा भी, मैं और नमन किसी को भी कोई खर्च करना होता है तो हम बहुत उसमें उस एक उसके लिए भी हम काफी सोचते हैं क्या ये जरूरत है, क्या क्या इसके बिना भी काम चल सकता है क्या, और इजीली हमारा काम चल सकता है, हम क्यों अननेसेसरी क्यों वेस्टेज करें, भले किसी और का भी पैसा लग रहा हो फिर भी हम उसमें ट्राई करते हैं कि कितना मिनिमाइज एक्सपेंडिचर हो सकता है। मिनिमाइज एक्सपेंडिचर रखोगे तो वैसे ही इनकम बढ़ जाएगी, हमारे अननेसेसरी के फाइनेंसेस नहीं होंगे। अच्छा, अननेसेसरी के फाइनेंस खर्चे नहीं करोगे तो पाप भी अननेसेसरी का नहीं होगा, अनर्थ दंड नहीं होगा। अगर धार्मिक दृष्टि से भी देखोगे तो फालतू के कर्म बंधन नहीं होंगे, जितने कपड़े ज्यादा लोगे, जितने शूज ज्यादा लोगे, जितने बाहर की चीजें फाइनेंस जितना खर्चा करो उससे क्या होगा, फाइनेंसिस करने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पाप लगेंगे, कर्म ज्यादा बनेंगे, तो हर चीज में। इसलिए हमारी इंडियन इकोनॉमी और वेस्टर्न इकोनॉमी में बड़ा फर्क है। वेस्टर्न इकोनॉमी का फिलोसॉफी चलती है क्रेडिट कार्ड पे चलती है, जो अब इंडिया में भी थोड़ी ट्रेंड होना शुरू हो गया है, वो लोग लेते रहते हैं, हाँ हम लोन चुकाते रहेंगे, खरीदते रहो लोन चुकाते रहो। पर इंडिया में हमें बचपन से, भारत की भूमि ने हमें बचपन से सिखाया है ना, अधिकतर यहाँ पे फैमिली लोगों वालों को पहले से सिखाया जाता है खर्च कर रहा है पर कुछ प्रतिशत है ना सेव करते रहे, अपने ना थोड़े पिगी बैंक में ना जमा करते हैं, हम बचपन से हमारे बच्चों को पिगी बैंक की आदत दिलाते हैं, वहां डालते रहो पैसा है ना, उस पर सेव करते रहो, और बच्चों भी एकदम खुशी खुशी से कि अरे मेरे 10,000 रुपए इकट्ठा हो गए, मेरे पॉकेट मनी के सेव हो गए। हमें याद है बचपन में ना हमारी नानी दादी हमें कुछ पैसे देती थी ना वो दिवाली की छुट्टियों में, और उसमें तो हम कभी खर्च नहीं करते, वो बोलते क्या चॉकलेट लेके, हमारे किसके चॉकलेट्स ले लेना, हमारी नानियां बोलती है ना दादियां बोलती है कि हाँ ये लेके जाओ 500 से 1,000 रुपए और तुम चॉकलेट लेना, कपड़े खरीदना। पर हमें याद है कि हम बचपन से वो मनी को भी सेव करते थे, तो करते करते हमारी एक कैपिटल बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही मेरे ख्याल से अधिकतर जन हमारे पुराने फैमिली मेंबर्स में हमारे हमेशा ये आदत डलवाते ही है सेव सेव सेव, दैट इज व्हाई इंडियन इकोनॉमी ऑलवेज ग्रोस। ये फॉलो करता है। तो आगे बढ़ते हैं कंट्रोलिंग और फाइनेंसेस के बाद आगे दान। ओके, अब क्या आ रहा है, जब समर हो जाएगा तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, दया धुणई कमरे हम अभोई करु समकण। अब कंट्रोल कर लिए फाइनेंसेस, अब बहुत पैसे कमा लिए, अब उसके बाद क्या करना शुरू करो, दान देना शुरू करो, फिलान्थ्रोफी करना शुरू करो, पैसे बांटना शुरू करो, खुद के पास इकट्ठे मत करो। ये बिल गेट्स और वॉरेन बफे की जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग सिर्फ अपने पास 1% वेल्थ रखते हैं, अपना 99% वेल्थ तो डोनेट कर चुके हैं, लोगों को चैरिटी में दे चुके हैं। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पे जयपुर में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमने देखा हमारे चातुर्मास में हमें विनोद जी लोढ़ा, विवेक जी लोढ़ा, ऐसे लोग मिले, ऐसे दानवीर लोग हैं कि हर साल एक स्थानक बनाना, साल के कितने करोड़ रुपए दान में निकाल देते हैं, और ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, इतना पैसा भी कमाते हैं पर साथ में उतना ही दान भी दे देते हैं। हमने हमारे अमेरिका से यहाँ पे हमारे सेशंस में भी जुड़ते हैं हमारे नीता डागा, राजीव जी डागा, हमने देखा उनको भी, हम पर्सनली उनसे भी मिले, इतने दानवीर प्रवृत्ति है। अमेरिका में रहते हैं पर हर साल इंडिया में आते हैं, अलग अलग चैरिटी का काम करते रहते हैं, अलग अलग सेवा का काम करते हैं, शायद आज भी यहाँ पे जुड़े हो तो मैंने उनकी देखा तो नहीं पर शायद जुड़े हैं। तो इतने दानवीर प्रवृत्ति है, किसी को भी एक बार में बस देना है तो दे देते हैं, सोचते भी नहीं है, इतना पैसा भगवान की दया से पुण्यवानी से कमा के आए हैं, पुण्यवानी करके आए हैं, पैसा कमाया है, पर पैसे का लोभ छोड़ना वो भी बहुत बड़ी बात है, उसकी आसक्ति छोड़ना, क्योंकि जब फिगर्स बड़े होते हैं ना तो दान के फिगर्स भी बड़े हो जाते हैं। जैसे आपने सोचा कि मेरे को है ना मेरी इनकम का 5% दान देना है ना, आपने क्या सोचा मेरी इनकम का 5% दान दे, तो 100 रुपए में से 5 रुपए निकालना तो बड़ा आसान है, 100 रुपए में से 5% तो 5 रुपीज निकालना कोई बड़ी बात नहीं, निकाल लेते हैं। पर यही जब मेरी है ना समझो 100 करोड़ हो जाते हैं, 100 करोड़ मेरी वेल्थ हो गई और उसमें से बोले कि 5% निकालना है, मतलब 5 करोड़ का दान देना है, तो इंसान सुनने वाला नहीं, यार 1% ही दे देते हैं अपन तो बहुत, 1-2% ही ठीक है, आप समझ रहे माइंड सेट। तो ये जो दानवीर लोगों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये ऐसे दानवीर लोग सोचते नहीं है, बस इनने सोचा हुआ है कि इतना पैसा निकालना निकाल देते, ऐसे दानवीर लोग आज भी हमारे देश में, और ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, अजीम प्रेम जी को हम देखते हैं, हमारे और भी ऐसे खूब सारे नाम में दानवीर लोग की कमी नहीं है हमारे देश में, और इतने लोग काम कर रहे हैं, और हम भी एक फिगर सोचे, एटलीस्ट हम जो इनकम कर रहे हैं, भले मैं कह रहा हूँ 100 रुपए या 1-2 लाख जो आपकी इनकम है, एटलीस्ट एक फिगर सोचे, 5% या 2% 3% जो आपको सोचना है सोचो, पर एक फिगर तो सोचो कि इतना परसेंटेज तो मैं दान में निकालूंगा ही निकालूंगा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि कंट्रोल करने के बाद फाइनेंसेस धुरे ही कमर है हम। अब क्या साधुओं के लिए कह रहे हैं, कर्मों की निर्जरा कर, कर्मों को बांट, धन बाहर निकाल दे अपने कर्मों को, और वैसे हमें भी कह रहे हैं कि पैसा कमाया है, सब सक्सेसफुल हो गया है, अब बांट पूरे संसार में उस चीज को, बांटो, चाहे ज्ञान सीखा है आपने, आपने नॉलेज ज्यादा सीखी है उसको भी बांटो,
अगर आपके पास और कोई स्ट्रेंथ है, और कोई एक्सपर्टीज है, कोई यहाँ पे डॉक्टर फील्ड में, कोई और फील्ड में, वो बांटो। देखो आप डॉक्टर का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, बहुत आप पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, पर कुछ ऐसा भी निकालो कि एक घंटा दो घंटा में फ्री में से ऐसे भी हमारे ऐसा काम कर सकते हैं, जो फील्ड में आप हो वहां आप दान देने की शुरुआत, वहां आप दान तो आपके लिए बेटर हो। ठीक है, तो ये दोनों ही कमरे वाली बात हो गई, जब साधुओं के लिए आई कि कर्मों की निजरा करना शुरू करो, और हमारे लिए आई कि दान दो, दान दो, जो चीज में हो उसको दान दो। अब आगे जब मैं और एक्सपर्टीज में आ जाता हूं तब क्या हो जाएगा, दया सपतकम नानम दंसनम चाबी कच्चे ही। अब साधुओं के ला रहा है कि अब उसको सब चीज का ज्ञान हो गया है, अब उसको पूर्ण ज्ञान होने की शुरुआत हो गई है, अब उसको पूरा केवल ज्ञान की ओर वह आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अपने उसने सारे कर्मों को बाहर निकाल दिया। अब उसने सारे कर्मों को बाहर निकाल दिया तो अब अंदर कुछ रहा ही, अंदर क्या रहा है, सिर्फ पूरा ज्ञान, एवरीथिंग, नॉलेज, नॉलेज, केवल ज्ञान की स्थिति जिसे हम कह देते हैं, वो केवल ज्ञान की स्थिति उनके पास आ जाती है साधुओं के पास, क्योंकि अब उनके पास कोई कर्मों का बोझ है ही नहीं, वो सारे डेट फ्री हो चुके हैं, है ना, सारी चीज बाहर निकाल चुके। अब ऐसे ही अगर हम हमारे गृहस्थों के लिए देखते हैं तो गृहस्थों के लिए भी है, अब दान देना शुरू कर दिया है। अब देखेंगे बहुत जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे मैं आपको वॉरेन बफे का, जिसकी एक घंटे के लिए बोल रहे 35 करोड़ रुपए, ऐसे और बड़े लोग हमने हमारे सुशील जी वैजी को देखा, 91 इयर्स के हैं, आज उनसे बस लोग मिलने के लिए तरसते हैं, बस उनकी है ना वो एक्सपीरियंस मिल जाए, उनका अनुभव का ज्ञान हमें मिल जाए, बस काम हो गया, क्योंकि अब उनको ऑलराउंड नॉलेज हो चुकी है, उनको हर फील्ड की नॉलेज हो चुकी है। इसलिए जो जितना बड़ा है ना, आपके आपके घर पे कोई 80, 85, 90 इयर्स के कोई लोग हैं, या कोई आपके आसपास है, उनका जितना संपर्क कर पाओ, उनके जितना पास रह पाओ, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनसे आपको अनुभूति का ज्ञान मिलेगा, उनको आपको अनुभव का ज्ञान मिलेगा, और वो किताबों में नहीं मिलता, वो जीवन जीने से मिलता है। तो उनके पास नहीं, क्योंकि उनने हर टाइप का काम कर लिया है, उनने संसार के हर फेस देख लिया, उनने सब चीज का काम कर चुके। तो इसलिए बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो डाइवर्सिफाई करना शुरू करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में जाना शुरू करते हैं, एक बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए तो दूसरे बिजनेस करने शुरू करते हैं, और एक स्टेज आती है कि अब वो बस कंसल्टिंग करते हैं, हाँ लोगों को है ना बस बांटते हैं, आ जाओ भाई मेरे पास सब चीज की नॉलेज है, जिनको जो चाहिए ले जाए। अब उनको कोई अंदर दिमाग में कोई लोभ भी नहीं है कि मेरे को कुछ पैसा ज्यादा कमाना है, मेरे को ये करना है, नाउ दे आर जस्ट इन द गिविंग मोड, बस ले लो ले लो ले लो ले लो, ओके। सो दैट इज नोज एवरीथिंग लाइक ओल्ड पीपल, द डाइवर्सिफाइड बिजनेस, यू गेट ऑल द आंसर। अगर उनके पास आओगे तो उनके पास सब चीज का आंसर मिलेगा। इसलिए आप कोई भी अनुभवी के पास जाओगे, ये साधुओं में देखो, जो बड़े साधुओं के पास आप कभी जाओगे ना, जो एटलीस्ट 20-30 साल पूरे हो जाते हैं, जो स्थविर मुनि हो जाते हैं, उनके पास आप जाओगे तो देखोगे हर चीज का आंसर मिल जाएगा आपको, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है, अनुभूति है उनके, उन अनुभव है उनके। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, अब दया लोक मलोकम छे जीणो जाने ही केवली। अब वो पूरे केवली होने के बाद लोक और अलोक सबके स्वरूप को जानना शुरू कर देते हैं। साधु के कह रहे हैं कि लोक को भी जान लेता है, अलोक को भी जान लेता है, अब उसके पास और कुछ बाकी नहीं है, एवरीथिंग, पूरे लोक अलोक, पूरे विश्व, पूरे हर चीज को जानना शुरू कर देता है, सबका स्वरूप एग्जैक्ट उसको मालूम पड़ना शुरू हो जाता है। और वैसे ही अब हमारे लिए आ रहा है कि अब हैंडओवर स्टेज है, योगों का निरोध करना शुरू करना है। तया जोगे निरुम्भिता सेले सिम पड़ी बच जाई, क्या गाथा आ रही है, 23वीं गाथा चल रही है, ये कह रहे हैं तया जोगे निरुम्भिता सेले सिम पड़ी बच जाई। तो कह रहे हैं अब योगों का निरोध, अब योगों का साधु तो क्या करने लग जाएगा, योगों का निरोध करने लग जाएगा, अब योग भी उसके एकदम कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक योग छूटे नहीं थे, अब जाके योग छूटेगा, लास्ट में एकदम योग छूटते हैं साधुओं के भी, तब जाके वो मोक्ष जा पाएंगे। तो अब क्या हो रहा है, अब योग को भी छोड़ना शुरू करेंगे, तो योगों का निरोध, योगों का कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और वैसे ही हमारे गृहस्थों के लिए आ रहा है कि योगों का निरोध अर्थात अब थोड़ा हैंडओवर स्टेज में आ जाओ, वानप्रस्थ आश्रम में आ जाओ। अब क्या करो, अब देखो अगर कोई 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, आपने 45 एज ग्रुप कर दिया, आपके बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं, थोड़े मेच्योर हो चुके हैं, तो अब उनको कैरी फॉरवर्ड, उनको देना शाम को, उनको हैंड ओवर करो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब थोड़ा निवृत्ति मार्ग की ओर आगे बढ़े। ठीक है, निवृत्ति भी हमारे है ना पुराने समाज में कल्चर ही था कि एक एज आने के बाद आनंद श्रावक मस्त हो गए, आनंद श्रावक ने एक बड़ा सा भोजन किया, वो अपने सारे जो परिवार जन है सबको बुलाए, जो आसपास के हमारे नगर वाले थे सबको बुलाया और उनको कहा देखो भैया मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूं और मेरी अब सारी जिम्मेदारी है ना, मेरे से कुछ भी मत पूछना,
मैं अब किसी चीज के लिए भी लायबल नहीं हूँ। मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने मेरे बड़े बेटे को दे दी है, इसको मैंने सारी चीज हैंड ओवर कर दी है। जो भी तुम्हें पूछना है, जो भी डिसीजन लेना है, सारा इनको पूछ लेना। अब मैं सिर्फ खुद के लिए जीने वाला हूँ, मैं रिटायरमेंट स्टेज पर। और जिनको ऐसी पुण्यवानी इजिली मिली हुई है, जिनको आसानी से ऐसा तुम आप लोग कर सकते हैं, तो जरूर उस मार्ग पे आगे बढ़े। पर निवृत्ति लेने के बाद है ना, एकदम आइडियल मत बैठे, कुछ ना कुछ काम करो। मतलब कुछ ना कुछ स्वाध्याय में एक रस लगाओ, कोई ना कोई सेवा का मार्ग पकड़े, कोई ना कोई स्वाध्याय का मार्ग पकड़े। नहीं तो फिर अकेले अकेले और अनहोनी होने जाइए और थोड़ा आप गलत फीलिंग करनी शुरू कर देंगे। इसलिए अगर निवृत्ति ले रहे हैं तो प्लानिंग करें कि निवृत्ति के बाद मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे आनंद श्रावक तो पौषशाला में रहते थे, आराम से बस अपना धर्म ध्यान करते करते अवधि ज्ञान हो गया था उनको। तो ऐसा वो श्रावक वर्ग होके भी निवृत्ति जीवन को अंगीकार करते कैसे आगे बढ़े, हम भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसी पुण्यवाणी का उदय है जो हम इजीली हैंड ओवर कर सकते हैं, हमारे बच्चे इतने योग्य हो गए, सारी चीज मैनेज हो गई है, डेफिनेटली प्लान फॉर योर निवृत्ति, प्लान फॉर योर रिटायरमेंट। देखिए बाहर की वेस्टर्न वर्ल्ड में, फॉरेन में कभी जाओगे ना, वहां क्या होता है कि 50 साल के हो गए, रिटायरमेंट लेना है। वो लोग भी रिटायरमेंट की बात करते हैं, पर वो लोग रिटायरमेंट में पता है क्या करते हैं, उनका रिटायरमेंट है मतलब हॉलीडेज करनी है, हमें वर्ल्ड टूर करना है, हमें मौज करना है, हमने जो अभी तक प्लान्स करे थे वो करना है। और वही कहीं ना कहीं अभी हमारे यंगस्टर्स में भी थोड़ा इनरोड्स आ रही है ये वाली चीज। बट हमारी भारतीय संस्कृति कितनी ऊंची थी, हमारी संस्कृति रिटायरमेंट को लेके यहाँ पे काम करने के लिए कि तुम जाके मनोरंजन करो, चीजें करो, कि अब तुम खुद के लिए काम करना शुरू करो, अब भीतर में चलो, अब तुम संन्यास मार्ग की ओर आगे बढ़ो, अब साधक बनने की, अब मुनि बनने की ओर आगे बढ़ो। क्योंकि नेक्स्ट यात्रा में भगवान कह रहे हैं बस सब हो गया, सब काम हो गया। अब भगवान कह रहे हैं तया लोक मत यत्तो सिद्धो हवे ही सासो हो। अब मुनियों के लिए कह दिया कि अब इसके पास और कोई काम शेष नहीं रहा है, योगों का भी निरोध कर दिया है, अब तो ये सिद्ध गति में जाएंगे, मुक्ति में जाएंगे। और हम जैसे साधकों के लिए कह रहे हैं, हम जैसे जो अब निवृत्ति जीवन को ग्रहण कर पा रहे हैं, हैंड ओवर कर दिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो अब साधकों के लिए रहे हैं, अब प्लान तो करो कि मेरे को दीक्षा लेनी है, अब प्लान तो करो कि मुझे मुनि बनना है, अब प्लान तो करो कि बस अब संसार का सब कार्य कर ले, अब मुझे अंगार जीवन में आगे बढ़ना है। ऐसा मनोरथ तो हर श्रावक का होना ही चाहिए, हर श्रावक को ये एवरी डे चिंतन करना चाहिए, खुद को इमेजिन करना चाहिए कि वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं 6 कायों की जीवों की रक्षा करके संयम जीवन को अंगीकार करूंगा, मैं साधु बनूंगा, मैं वो मुनि वेश में आऊंगा, मैं भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे संसार को त्याग करके बस अब खुद की आत्मा में रमण करूं। संयमेणम तवेसा पणम भावे माणे भी रही, मैं खुद की संयम में खुद की आत्मा को भावित करते हुए विचरूंगा। ऐसी भावना हमारे रोम रोम में आनी चाहिए। और ये हर श्रावक को, हर साधक को, जो भी मुक्ति पथ पे आगे बढ़ना चाहता है, जो एक्चुअल में स्पिरिचुअल के, क्योंकि आप यहाँ पे जुड़े हो, कहीं ना कहीं आप में वो धर्म का बीज तो है, नहीं तो यहाँ पे जुड़ते ही नहीं, कोई और दूसरी क्लब में जुड़े हुए होते हैं और कोई जगह सुनते सेशन, यहाँ जुड़े हो मतलब वो कोई मुक्ति की अभिलाषा है, वो कहीं ना कहीं शांति की खोज है, संति मक्कम जो हुए की खोज है, हमारी शांति मार्ग की आगे बढ़ने की खोज है। और अगर वो खोज है तो खोज में ये चिंतन जरूर आना चाहिए कि वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं सबसे पहला तो मनोरथ क्या हो गया कि मैं निवृत्ति जीवन को ग्रहण करूंगा, फिर दूसरा आ गया मैं संयम जीवन को ग्रहण करूंगा, और तीसरा वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं संथारा सलेख ना करके पंडित मरण को प्राप्त करूंगा। ये तीनों मनोरथ हम एवरीडे चिंतन करें, तभी हम भगवान के जो दैश्वकालिक सूत्र के अभी 24 अध्ययन का हमने जो स्वाध्याय करा, 24 गाथाओं का जो स्वाध्याय करा 4वें अध्ययन की, वो हम जीवन में उतार पाएंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य बनना चाहिए कि लक्ष्य हो दुख मुक्ति का, साधु जीवन का हमारे में लक्ष्य होना चाहिए, तभी मैं और आप सभी जन आगे बढ़ पाएंगे और साधना के पथ पर अल्टीमेटली सिद्धिम हवे ही सासो, हम जब सिद्ध गति को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी भावना के साथ आज ये टॉपिक, ये हमारा आज यहीं समाप्त होता है। आज हमने समाप्त तो नहीं कहूंगा, मैं मंगल कहूंगा कि हम इसको ओवर कर पाए और इसको कंप्लीट किया, और आपकी वजह से बहुत अच्छा अनुप्रेक्षा करने का एक अवसर मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर शास्त्र के विरुद्ध कुछ बोलने में आया हो, आगम विरुद्ध कुछ प्ररूप ना करने में आया हो, और आपके दिल को कुछ मैंने कठोर बोल दिया, कुछ ठेस पहुंचा दी हो, तो उसके लिए बारम्बार क्षमा याचना। तो अब एक मैं रिमाइंडर आपको देना भूल गया, सॉरी, बहुत जरूरी रिमाइंडर है कि कल हमारा सेशन होगा। मैं बीच में बोलना बिल्कुल भूल गया कि मैं लिंक, क्योंकि बहुत जन लीव कर देते हैं सेशन को। कल
हमारा सेशन हुआ क्योंकि बहुत जगह लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन स्पेशल कल सेशन होने वाला है, ओके? क्योंकि बहुत जगह लॉकडाउन लगे हुए ही हैं और हम वापस थोड़े थोड़े फ्री हो रहे हैं, तो इसलिए कल संडे रविवार को सब लोग नोट कर लें, 3 बजे हमारा सेशन होगा, 3 o'clock, ओके? 3 PM हमारा सेशन होगा, ग्रुप्स पे मैसेज आए जाएंगे। और संडे के दिन हम एक स्पेशल वक्ता आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं, एक गेस्ट स्पीकर को लेके आ रहे हैं, और अपने आप में नॉलेजेबल पर्सनैलिटी प्रकाश जी सर है, जो गुरु जी है, लगभग बहुत सारे संत सतियों को उन्होंने पढ़ाया हुआ है और संस्कृत के आगम के शास्त्र के बहुत ज्ञानी, और हमने उनसे इस चातुर्मास में भी बहुत सीखा, उनका बहुत लाभ मिला हमें। तो ऐसे सरल व्यक्तित्व वाले बहुत ही साधक पुरुष वो कल हमारे सामने उपस्थित होंगे 3 बजे। तो आप सबसे निवेदन है, जो भी लोग अगर मीटिंग छोड़ भी दिए हैं, आपके कोई नोन है, उनको डेफिनेटली मैसेज पास करें, ग्रुप्स में तो मैसेज आ ही जाएंगे, और इसकी प्रभावना करें कि बहुत लोग इसमें जुड़ पाए, और वापस अब थोड़ा स्प्रेड करें मैसेज, जुड़ेंगे जो पहले जुड़े हुए, ठीक है? तो ये सब आपको काम करना है, और 3 बजे कल वापस हम मिलेंगे।